अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं। कभी आपने सोचा कि अल्लाह अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, इसका हकीकी मतलब क्या है? आए आज हम आपको उसका हकीकी मतलब समझाते हैं। जिस जमीन पर हम रहते हैं वो एक आम आदमी के हजम के मुकाबले में 30 अरब खरब गुना बड़ी है, जबकि हमारा सूरज हमारी जमीन से 10 लाख गुना बड़ा है। इसके मुकाबले में ईटा कोरिनाई नामी मशहूर सितारा हमारे सूरज से भी 50 लाख गुना बड़ा है। इसके बाद बीटल जूस नामी सितारे का नंबर आता है जो हमारे सूरज से 30 करोड़ गुना बड़ा है। और फिर वी वाई कैनिस मेजोरिस नामी सितारे की बड़ाई का तो क्या ही कहना, ये सितारा हमारे सूरज से 1 अरब गुना बड़ा है। क्या आपको मालूम है कि जिस कहकशा में हम रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है, और हमारी सिर्फ इस एक कहकशा में हमारे सूरज जैसे 300 अरब से जायद सूरज मौजूद हैं। और ये कहकशा इतनी बड़ी है कि अगर हम किसी ऐसी चीज में सवार हों जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती हो, यानी 1 सेकंड में जमीन के 7 चक्कर लगाने वाला हो, तो इसको भी हमारी कहकशा को पार करते करते 1 लाख साल लग जाएंगे। अंदाजा हुआ ना कि हमारी कहकशा कितनी बड़ी है? लेकिन नहीं, आए हम आपको अपनी पड़ोसी कहकशा में लिए चलते हैं जिसका नाम एंड्रोमेडा है। वो हमारी कहकशा से 2 गुनी है, यानी 2 लाख नूरी साल वसी और रीज है। लेकिन ये भी छोटी है, M81 नामी कहकशा हमारी कहकशा से 60 गुना बड़ी है, जबकि IC1011 नामी कहकशा हमारी कहकशा से 600 गुना बड़ी है। अब समझ आ रहा है ना अल्लाह अकबर का क्या मतलब है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाय, अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। जैसे सितारों से कहकशाएं बनती हैं, आपको मालूम है कि इसी तरह कहकशाओं से क्लस्टर बनते हैं, और जिस क्लस्टर में हमारी कहकशा वाके है उसका नाम विर्गो क्लस्टर है, और सिर्फ इस एक क्लस्टर में 47,000 कहकशाएं हैं। और मामला अभी यही खत्म नहीं हुआ, क्लस्टर्स भी आपस में मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं, और जिस सुपर क्लस्टर में हम रहते हैं उसका नाम लोकल सुपर क्लस्टर है, और इस सुपर क्लस्टर में 100 के करीब क्लस्टर हैं, और इस सुपर क्लस्टर जैसे कमोबेश 1 करोड़ सुपर क्लस्टर हमारी कायनात में मौजूद हैं, जो एक अजीम जाल में मामूली नुक्तों की मानिंद नजर आते हैं। और इन सब को सिर्फ एक जात यानी अल्लाह ताला ने बनाया है। तो अंदाजा हुआ कि अल्लाह कितना बड़ा है? यही वो किबरियाई है जिसको कुरान सूरे जुमर में यूं बयान करता है, और उन्होंने अल्लाह की कदर ही ना की जैसी उसकी कदर करने का हक था। उसकी बड़ाई का ये हाल है कि कयामत के दिन जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके सीधे हाथ में लिपटे होंगे। ये है अल्लाह अकबर का सही मतलब, और यही वो अजीम जुमला है जिसको सुनने और समझ लेने के बाद सिवाय इंतहाई मुतकब्बिर के हर एक शख्स का सर सजदे में चला जाता है। अल्लाह, अल्लाह।